अस्सलाम वालेकुम। आज मुमताज रेसिपी में मैं आपको हरा मूंग और चने की दाल के कबाब बनाने बता रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कप चने की दाल ली हूँ और एक कप हरी मूंग की दाल, और दोनों को 3 से 4 घंटा पहले भिगा दी थी। अब दोनों को मिलाकर हमको पीसना है, दोनों को मिलाकर हमने पीसना है। आप देख सकते हैं मैंने दाल तकरीबन पीस दी हूँ, पानी नहीं डालकर पीसी हूँ। अब जो थोड़ी दाल बची है इसमें मैंने हरी मिर्ची थोड़ी सी डाल दी हूँ, 8-10। आप तीखा जितना खाते हैं उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। चले अब इसको भी हम बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से, और ये हरी मिर्ची के साथ भी दाल मैंने अच्छा पीस ली। अभी हम इसमें बाकी के मसाले मिक्स करेंगे। ये दाल के कबाब बहुत अच्छे मज़े के बनते हैं, ये एक बार आप इसे बनाएंगे तो बार बार यही बनाकर खाने का दिल होगा। हल्दी डाल दिए इसमें, नमक जायके के मुताबिक कम ज़्यादा आप अपने कर सकते हैं। कबाब का मसाला 2 चम्मच डालेंगे कबाब का मसाला, और ये बारीक कटी हुई प्याज है, 2 मीडियम प्याज है जिसे मैंने अच्छा बारीक चॉप की हूँ, बारीक कटी हुई कोथमीर। फिर इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। 1 चम्मच लास्ट में गरम मसाला। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। जो साइज चाहिए वो साइज में आपने कबाब बना ले। ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है, बहुत अच्छे से। बस आप इसी तरीके से बाकी के भी फ्राई कर लें। आपको इससे छोटे बनाना है इससे छोटे बनाइए, यही साइज बनाना है तो यही साइज में बनाइए, गोल बनाए जो आपको पसंद हो उस शक्ल और साइज में आप बना। हरी मूंग चना दाल के कबाब तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे करंची और जूसी बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।